गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। जिस प्रकार से नाम से ही पता चल रहा है कि बेलनाकार प्रक्षेप, तो इस प्रकार के प्रक्षेप किसी बेलन की सहायता से बनाए जाते हैं। और बेलन कौन सा है या सिलेंडर कौन सा है, वो कागज़ का सिलेंडर है। यदि हमें कागज के सिलेंडर को लेकर वो उसको किसी ग्लोब के ऊपर चढ़ाते हैं और इस प्रकार से चढ़ाते हैं कि वह ग्लोब को भूमध्य रेखा पर छुए और उस ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को यदि उस कागज़ के सिलेंडर पर प्रक्षेपित करते हैं, तो कागज़ के सिलेंडर पर भूमध्य रेखा की जो दूरी है या भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो वास्तविक लंबाई होगी या वो शुद्ध होगी। तो इस प्रकार से सिंपल सिलेंड्रिकल प्रक्षेप बनता है। और सिंपल सिलेंड्रिकल प्रक्षेप या कोई भी सिलेंड्रिकल या कोई भी प्रक्षेप बनाने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। और ग्लोब क्या होता है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा मंडल होता है और किसी एक सही अनुपात में वह पृथ्वी के आकार को एक छोटे रूप में उसको बनाया जाता है। और वह आकार क्या, वो मापक क्या होता है या किसी वह अनुपात क्या होता है, वो होते हैं हमारे पास आरएफ। तो यहाँ पर ये जो आरएफ है जिसके हम ग्लोब बनाएंगे और ग्लोब की सहायता से हम प्रोजेक्शन बनाएंगे या प्रक्षेप बनाएंगे, तो वो आरएफ हमारे पास है 1:22। इस आरएफ पर हमने एक प्रक्षेप की, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की रचना करनी है। और उसके लिए जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अंतराल है वो 30 डिग्री का हमने यहाँ पे रखना है। इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वो है 30 डिग्री है। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम एक साधारण बेलनाकार प्रक्षेप की हम रचना करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए क्या होता है, वो ग्लोब जिसकी सहायता से हम प्रक्षेप की रचना करेंगे। तो ग्लोब, कोई भी ग्लोब कितना बड़ा है और कितना छोटा है वह उसके रेडियस से पता चलता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें रेडियस ज्ञात करना पड़ेगा, उस ग्लोब का रेडियस क्या है। तो ग्लोब का रेडियस निकालने के लिए मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर आता है रेडियस ऑफ द ग्लोब। इसको स्मॉल आर से लिखेंगे तो ये होगा रेडियस ऑफ द ग्लोब। तो रेडियस ऑफ द जो ग्लोब है वो कैसे निकालते हैं, जो हमारी आरएफ है, जो आरएफ है उसको यदि हम रेडियस ऑफ द अर्थ से गुणा कर देंगे, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हो गया पृथ्वी के वास्तविक अर्धव्यास से इस आरएफ को गुणा कर देंगे तो हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास आरएफ क्या है, हमारे पास 1:22 है। ये 22 करोड़ लिख दी यहाँ पे, इस प्रकार से हम 22 करोड़, और इसको रेडियस ऑफ द अर्थ से गुणा करेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो लगभग 64 करोड़ सेंटीमीटर होता है। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में लेना चाहता हूँ तो इसलिए हम इसको हम 64 करोड़ सेंटीमीटर से हम इसको गुणा कर देंगे। 64 करोड़ सेंटीमीटर इससे हम ये गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से ये गुणा करने के बाद जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है रेडियस ऑफ द ग्लोब 2.91 सेंटीमीटर। ये 2.91 सेंटीमीटर रेडियस हुआ किसका, ग्लोब का। तो इस प्रकार से इस रेडियस की सहायता से एक सर्कल हम ड्रा करेंगे जो हमारे ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार इतनी प्रकार खोलकर यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करते हैं, ये सर्कल हुआ हमारा। तो ये सर्कल हम ड्रा करते हैं तो ये हमारे ग्लोब को प्रदर्शित करेगा। इसके दो व्यास लेते हैं, ध्रुवीय व्यास हो गया और यहाँ पर हो गया आपका भूमध्य रेखीय व्यास। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इससे मिटा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये ले लिए और ये लेने के बाद फिर इसमें दोनों व्यास जो हैं वो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं और यहाँ पर ये N रख लिया हमने और यहाँ पर लिख लिया हमने S इस प्रकार से, और यहाँ पे ले लेते हैं हम P और यहाँ पे ले लेते हैं हम W। तो ये इसके हम निशान लगा लेंगे या इस प्रकार से ये हमने ले लिया W। अब दूसरा जो पॉइंट आता है लेंथ ऑफ इक्वेटर, लेंथ ऑफ इक्वेटर ये, और लेंथ ऑफ इक्वेटर लेने के लिए जो ग्लोब की परिधि है वो हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। और परिधि को कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है 2πr, ये होता है इस प्रकार से। r यहाँ पर क्या है, ये रेडियस ऑफ द ग्लोब है। तो इस प्रकार से हम ये कैलकुलेट करेंगे 2×22/7×2.91, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द ग्लोब था सेंटीमीटर्स में। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आता है 18.29 सेंटीमीटर। तो ये 18.29 सेंटीमीटर आ जाता है, ये हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई हुई। भूमध्य रेखा की लंबाई क्यों हुई, क्योंकि यह भूमध्य रेखा जो
सिलेंडर को छू रही थी, और सिलेंडर को उतारने के बाद हमने सिलेंडर को एक समतल कागज में बदला तो वही भूमध्य रेखा की लंबाई होगी जो हमारे उस ग्लोब की परिधि हो। इस रेखा को आगे हम बढ़ाएंगे 18.29 यहां तक इसको हम ले लेंगे। तो ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा की लंबाई। अब इसको हम दूसरे पॉइंट को हम मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ये 18.29 ले ली भूमध्य रेखा की लंबाई ले ली, तो इसमें दोनों दिशाओं में हम लंब खड़ा कर देंगे। यहाँ पर भी इस प्रकार से एक लंब खड़ा करेंगे जो इस ग्लोब को छूता हुआ निकलेगा, और यहाँ पर भी इस प्रकार से एक लंब खड़ा कर देंगे। तो ये वो वाला प्रक्षेप है जो हमने बनाना है, या उसका स्पेस है जो हमने प्रक्षेप बनाना है। और इस भूमध्य रेखा को काटते हुए 360 रेखाएँ दिशांतर रेखाएं जा रही हैं। हम क्या करेंगे, इस ओ बिंदु पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये 30 डिग्री का एंगल हुआ, ये 30 डिग्री का, और यहाँ पर ये हुआ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये यहाँ पर डी पर काटता है। मान लो ये डी पर काटता है तो ये डी पॉइंट हुआ। अब 30 डिग्री का जो चापकरण है यदि हम वो ले लेंगे तो दो दिशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमारे पास आ जाएगी, कितनी हमें दूरी लेनी है। वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, वो निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेंथ, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ ऑफ 30 डिग्री कॉर्ड, ये हम ले लेंगे 30 डिग्री के कॉर्ड की लंबाई, चापकरण की लंबाई। तो 30 डिग्री चापकरण की लंबाई किस प्रकार से निकालेंगे, वो होगा 2πr मल्टीप्लाइड बाई 330 और डिवाइड बाई 360, इस प्रकार से आ जाएगा। क्योंकि जो 2πr है वो ग्लोब की परिधि है, और उसको काटते हुए 360 एंगल्स हमारे जाते हैं, 360 कोण हमारे जाते हैं, और उसमें से 30 डिग्री कोण की हमने दूरी लेनी है। तो 30/360 इस प्रकार से हम कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाता है, ये था हमारा 18.29 और गुणा 30/360, ये इस प्रकार से था। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1.52 सेंटीमीटर्स। तो ये 18.29 सेंटीमीटर में था, तो ये 1.52 सेंटीमीटर आ जाता है। ये किन्हीं दो दिशांतर रेखाओं की लंबाई हमारे पास, या दो दिशांतर रेखाओं की बीच की दूरी हमारे पास आ जाती है। तो अब इस रेखा को जो यहाँ पे W था और यहाँ पर ये E है, इस रेखा को हम दो बराबर भागों में बांट लें तो ये पूर्व की तरफ का पूर्वी गोलार्ध हुआ, और पश्चिम की तरफ का या बाएं हाथ की तरफ का ये हुआ पश्चिमी गोलार्ध। तो दो भागों में बांटने के बाद 1.52 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे, और फिर क्या करेंगे हम इसके 6 निशान इसमें लगाएंगे, जैसे 1 निशान, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से निशान लगाए थे, और इधर भी 6 निशान लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस प्रकार से 6 निशान लगा लेंगे। अब ये 6 निशान लगाने के बाद इन सभी निशान से इस जो ये रेखा है, ये है हमारी प्राइम मेरिडियन, इसके समानांतर रेखाएं खींच लेंगे जो अन्य दिशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ से एक रेखा खींची, ये दिशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी, ये कोई और दिशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी, और इस प्रकार से ये दिशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगी, और ये सभी दिशांतर रेखाएं हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी दिशांतर रेखाएं हुई। अब जो सेंट्रल मेरिडियन थी उसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे, जैसे ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, और ये है 30 डिग्री, और यहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और ये 120 डिग्री, और ये 150 डिग्री, और यहाँ पर है ये 180 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट 180 डिग्री ईस्ट हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, और ये 120 डिग्री, और ये 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री वेस्ट, ये हो गया हमारा। तो ये सभी दिशांतर रेखाएं हमारे पास आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अन्य अक्षांश रेखाएं खींचनी है। भूमध्य रेखा तो हमने खींच रखी है, अन्य अक्षांश रेखाएं खींचनी है, और वो कितने डिग्री के अंतराल पर खींचनी है, यहाँ पर इंटरवल ऑफ लैटिट्यूड, ये भी 30 डिग्री का अंतराल है, और 30 डिग्री का अंतराल कितना रहेगा, वही 30 डिग्री जो चापकरण है वही अंतराल हमारा रहेगा। तो इस प्रकार से 1.52 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर यदि हम ये जो प्राइम मेरिडियन है या मुख्य दिशांतर रेखा है, उस दिशांतर रेखा पर 3 निशान लगा लें उत्तर की ओर, एक निशान यहाँ पर लगाते हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और इस प्रकार से 3 निशान दक्षिण की ओर लगा लेंगे, ये 60, और ये इस प्रकार से ये 90 डिग्री। अब इन निशान से हम भूमध्य रेखा के समानांतर अन्य अक्षांश रेखाएं खींचेंगे। तो यहाँ से ये रेखा जो खींचेंगे तो ये होगी आपकी 30 डिग्री की अक्षांश रेखा, और इसी प्रकार से ये होगी आपकी 60 डिग्री की अक्षांश रेखा, और ये होगी आपकी 90 डिग्री की अक्षांश रेखा, और इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुई 30 डिग्री की अक्षांश रेखा, और यहाँ पर होगी ये
60 डिग्री अक्षांश रेखा और ये होगी आपकी 90 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये हमारे पास इस प्रकार प्रोजेक्शन बन जाता है। अब जो और रेखाएं हैं उनको हम बाहर की रेखाओं को हम मिटा देंगे तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन बन गया। और इसमें हम अन्य जो अक्षांश रेखाओं का मान है वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ये 0 डिग्री था और ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ। और इसी प्रकार से ये 30 डिग्री और यहाँ पर 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारे पास इस प्रकार प्रोजेक्शन बन जाता है। और यहाँ पर लिखेंगे हम आरएफ, ये आरएफ 1:22 करोड़। और क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल है, एक ही अंतराल है वो 30 डिग्री का है, तो इसलिए हम इसको हम रेखा जाल का अंतराल भी कह सकते हैं। और रेखा जाल के अंतराल के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटिक्यूल इंटरवल। ग्रेटिक्यूल इंटरवल और ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस प्रकार से 30 डिग्री। अब इसका यहाँ पर टाइटल हम लिख देंगे, टाइटल पहले ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये हमारा प्रोजेक्शन इस प्रकार से बन जाता है। ये प्रोजेक्शन बनाने के बाद हम इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की हम प्रॉपर्टीज की यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी क्या आती है इसमें, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अक्षांश रेखाओं की आकृति। अक्षांश रेखाओं की आकृति कैसी है, किताबों में क्या लिखा हुआ है, अक्षांश रेखाओं का आकार लिखा हुआ है, तो आप उसमें आकार भी कह सकते हैं और आकृति भी कह सकते हैं। तो आकृति कैसी है यहाँ पर, सभी अक्षांश रेखा कौन सी है, ये है भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा 0 डिग्री और यह है 30 डिग्री, ये 60 डिग्री इस प्रकार से और उस प्रकार से ये 90 डिग्री और इस प्रकार से 30 डिग्री 60 डिग्री और ये 90। जो पड़ी हुई रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं हैं और वो सभी सीधी हैं एक और सरल हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं। तो सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं और पड़ी हुई रेखाएं हैं और सीधी रेखाएं हैं। ये हुई अक्षांश रेखाओं की आकृति। फिर है देशांतर रेखाओं की आकृति। देशांतर रेखाओं की आकृति कैसी है, सभी देशांतर रेखाएं खड़ी देशांतर रेखाएं हैं, ये खड़ी देशांतर रेखाएं हैं और ये एक दूसरे के समानांतर हैं। तो ये है देशांतर और ये सीधी सरल खड़ी रेखाएं और एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं, ये हुई देशांतर रेखाएं। फिर आता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन, एक दूसरे को कितने के कोण पर ये काटती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं जो ये अक्षांश है इनको, सभी अक्षांश रेखाओं को सभी देशांतर रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर काटती है। जैसे हम यहाँ पे बनाए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री और सभी इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। तो ये तीसरा इसकी प्रॉपर्टी हुई या तीसरी विशेषता हुई। फिर आता है इसमें अक्षांश रेखाओं को मापक, अक्षांश रेखाओं का मापक कितना है। तो मापक में हम देखेंगे कि क्या हमने कागज़ का जो सिलेंडर था वो ग्लोब के ऊपर चढ़ा रखा था और वो भूमध्य रेखा को छू रहा था और जब उतारने के बाद हमने उसको प्रोजेक्शन में बदला कागज़ के सिलेंडर को, तो उसमें अक्षांश जो भूमध्य रेखा है वो शुद्ध रही। तो यहाँ पर यहाँ भूमध्य रेखा यहाँ पर इसमें शुद्ध रहती है और ग्लोब के ऊपर जो 30 डिग्री का सर्कल है वह थोड़ा छोटा होता है भूमध्य रेखा से, तो इस लेकिन यहाँ पर उतनी ही लंबी रेखा है 30 डिग्री भी उत्तर में भी और 30 डिग्री दक्षिण में भी। 60 डिग्री का जो सर्कल है ग्लोब के ऊपर वह भूमध्य रेखा से आधा होता है, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री के की रेखा भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर ही है और 90 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह ग्लोब के ऊपर एक बिंदु मात्र होता है लेकिन उसमें अनंत गुणा वृद्धि हो गई, उसको रेखा ही बना दिया उसको खींच के। तो इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भी ये जो 90 डिग्री का बिंदु मात्र होना चाहिए लेकिन उसकी एक रेखा बन गई, अनंत गुणा वृद्धि विवर्धन उसमें हो गया है। तो मोटे रूप से हम यूँ कह सकते हैं कि इस प्रक्षेप में भूमध्य रेखा का मापक शुद्ध है और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं के मापक में विवर्धन होता जाता है, उत्तरोत्तर विवर्धन होता जाता है और इसी प्रकार से ध्रुवों की ओर जाने में या दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव की ओर जाने में भी विवर्धन होता है। फिर आता है देशांतर रेखाओं का मापक। अब देशांतर रेखाओं के मापक में सभी देशांतर रेखाएँ खड़ी हैं और देशांतर रेखाएँ हमने किस प्रकार से खींची है ये हमने देखना है। तो इतनी जो दूरी है ये दूरी है ये हमने 30 डिग्री का चापकर्ण लेके खींची है, 30 डिग्री का चापकर्ण। अब 30 डिग्री का चापकर्ण देखिए, 30 डिग्री यहाँ पर हुआ यहाँ से भूमध्य रेखा से और 30 डिग्री के कोण पर और 30 से फिर यहाँ तक 60 और 60 से यहाँ तक 90 और वो ग्लोब के अनुसार शुद्ध है
तो उतनी ही रेखा लेके या जो 1.52 प्रकार हमने खोली थी वो 30 डिग्री का चापकरण था, वो हमने यहाँ से एक निशान लगाया, दूसरा निशान और तीसरा निशान, तो इस प्रकार से 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देशांतर रेखा शुद्ध हुई। और इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में भी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक देशांतर रेखा शुद्ध हुई। और अन्य देशांतर रेखाएं भी इसी प्रकार इसके समानांतर हैं और उतनी ही लंबी है जितनी ग्लोब के ऊपर होती हैं। तो इस प्रकार से सभी देशांतर रेखाएं इसमें शुद्ध हैं। अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा शुद्ध है और देशांतर रेखाओं में सभी देशांतर रेखाएं इसमें शुद्ध हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टी की बात आती है उपयोग की, इस प्रोजेक्शन के उपयोग की। और इस प्रोजेक्शन के उपयोग की जब हम बात करते हैं तो उपयोग के लिए जहाँ पर शुद्धता है वहीं पर उपयोग है। और शुद्धता में अक्षांश रेखा में शुद्धता कहाँ पर है, भूमध्य रेखा की जो मापक है वो शुद्ध है। इसलिए भूमध्य रेखा के मापक शुद्ध होने के कारण इसके आसपास जो छोटे देश हैं उनका क्षेत्रफल और उनकी आकृति में कोई विकार नहीं आता है, तो उनको बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। दूसरी बात, क्योंकि यह अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है वह पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है और यह शुद्ध है, तो इसलिए कोई भी देश की सीमा जो लंबवत क्षेत्र में हो, पूर्व से पश्चिम की ओर हो, वह भूमध्य रेखा के सहारे सहारे बढ़िया तरीके से दिखाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन जब भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाते हैं और दक्षिण गोलार्ध में ध्रुव की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मापक में विवर्धन होता है, इसलिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में किसी भी जो देश को सही तरीके से बढ़िया तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, उसकी दिशा में मापक में और उसकी आकृति में और क्षेत्रफल में विकार आ जाता है। देशांतर रेखाओं के मापक शुद्ध होने से, सभी देशांतर रेखाओं के इसमें मापक शुद्ध है, तो जितने भी कोई भी देशों की सीमा है, कोई नदी है, कोई रेलवे लाइन है जो उत्तर से दक्षिण में फैली हुई हो, ऐसी कोई संकरी पट्टी जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हो, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। जैसे उसके उदाहरण हम लेना चाहेंगे, अर्जेंटीना और चिली की जो सीमा रेखा है वह उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है और एक देशांतर रेखा के सहारे है, तो उसको शुद्धता से या बढ़िया तरीके से उसको दिखाया जा सकता है। और इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, अलास्का और कनाडा दोनों के बीच में पड़ने वाली जो सीमा रेखा है वह एक देशांतर रेखा के सहारे सहारे है, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसी प्रकार से काहिरा और डरबन के बीच में जो रेलवे लाइन है उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर भी उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है और वह संकरी पट्टी में ही है, उसको भी बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। और यूराल माउंटेन वो भी उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है क्योंकि संकरी पट्टी में है वो। और इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों की जो सीमा है वो देशांतर रेखाओं के सहारे सहारे है, उनको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। कनाडा में भी इसी प्रकार से अनेक राज्यों की सीमाएँ वो भी उत्तर से दक्षिण तक देशांतर रेखाओं के सहारे सहारे हैं, उनको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मार्टेनिया देश और माली देश उनकी सीमा रेखा भी उत्तर से दक्षिण तक जो फैली हुई है वो उसको भी शुद्धता से दिखाया जा सकता है। और इसी प्रकार से इजिप्ट और लीबिया दोनों देशों के सीमा रेखा या मिस्र और लीबिया की जो सीमा रेखा है वो भी उत्तर से दक्षिण तक देशांतर रेखा के सहारे सहारे फैली हुई है, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। कोई भी ऐसी संकरी पट्टी जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो, चाहे वो भूमध्य रेखा को पार कर रही हो, उसको शुद्धता से दिखाया जा सकता है। लेकिन जो संकरी पट्टी होनी चाहिए उसका देशांतरीय विस्तार तो चाहे कितना भी हो लेकिन भूमध्य रेखीय विस्तार ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बढ़िया तरीके से इसमें प्रोजेक्शन में दिखाया जाएगा। फिर आती है इसकी प्रॉपर्टी में इसकी सीमाओं की बात। अब सीमाओं में देखिए, जहाँ शुद्धता है वहीं पर उपयोग है, और शुद्धता कहाँ पर, भूमध्य रेखा शुद्ध है और देशांतर रेखा शुद्ध है। यदि हम भूमध्य रेखा के सहारे सहारे छोटे देशों के मानचित्र हम बनाएंगे, जैसे छोटे देशों में आपका इक्वेडर है, इक्वेडोर भूमध्य रेखा के ऊपर ये पड़ता है, या भूमध्य रेखा इक्वेडोर के बीच में से गुजरती है, उसको बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। केनिया एक छोटा देश है और भूमध्य रेखा पर पड़ता है, तो उसको बढ़िया तरीके से दिखाया जा सकता है। ये तो बात हुई भूमध्य रेखा की। और इसके अतिरिक्त भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं में विवर्धन हो रहा है, तो इसलिए भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जाने में किसी भी देश को सही तरीके से नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उसमें अक्षांश रेखाओं में विवर्धन हो जाता है। तो ये इसकी सीमाएं हुई। तो अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, तो आपने इस लेक्चर को बढ़िया तरीके से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।